हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं लिवोसेट्रिजिन टेबलेट के बारे में। इसका रिव्यू करने वाले हैं हम। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है लिवोसेट्रिजिन टेबलेट 5 mg में। ये सिप्ला कंपनी की आती है, ब्रांड नेम है इसका लिवोरेड। इसका बारे में जानेंगे हम, इसका कब यूज़ किया जाता है और कैसे ये काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है, ये एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की मेडिसिन है और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। एंटी हिस्टामिन जो ड्रग होती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये क्या करती है, हमारे H1 पार्ट्स जो होते हैं, H1 अंग जो होते हैं, उन पर अपना काम करती है। इसका यूज़ कब करते हैं, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जैसे आपको एलर्जी हो रही हो, खुजली हो रही है हाथ पैर में, कहीं पर भी शरीर में, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। आँखों में जलन होना या आँख में से पानी बहना या नाक बहना, नाक में से पानी आना या आंखें लाल पड़ जाना या आपको कुछ दांत वगैरह खुजली वगैरह हुई हो, वहाँ पर डॉक्टर इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी कीड़े मीड़े ने काट लिया, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, तब आपको खुजली हो रही हो, उस कंडीशन में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको यदि खांसी चल रही हो, कफ, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं हम, क्या डोज हैं इसकी। तो आप इसे 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है जो टेबलेट है वो, और बड़े व्यक्ति इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ रात को ही किया जाता है, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत नींद आ सकती है व्यक्ति को। तो यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको दोनों टाइम लेने का, तो आप इसे 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। बाकी इसे रात को ही लिया जाता है खाना खाने के बाद। ये टेबलेट और सिरप रूप के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल रहती है। और इसके दुष्प्रभाव, मतलब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो आपका चक्कर आना हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या आदमी बिल्कुल आलसी टाइप हो सकता है, या मुंह सूखना हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, इसके आम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और सावधानी क्या बरतना है आपको, जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हों, जो दूध पिलाती हों और जो छोटे बच्चे हों, उनमें आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक और घटी हुई मात्रा और कम मात्रा में आपको देना है। और जो व्यक्ति मशीन पर काम करते हैं, मशीनों पर या ड्राइविंग करना, उस कंडीशन में इसे नहीं देना है। देना है तो इन ड्राइविंग नहीं करना है, भारी मशीन पर या कुछ भी काम नहीं करना है। और इसको लेने के बाद आपको एल्कोहल का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं एल्कोहल के यूज़ करने से। तो और मार्केट में ये अवेलेबल है, कई ब्रांड नेम से अवेलेबल है। ये निकोलस कंपनी की आती है, आर्टिस नाम से आती है, एल सेट्रोन आती है, और लेजिन आती है, लिवोसिज आती है, लेजिन सेट आती है, कई नाम से ये मार्केट में आपको मिल सकती है। बहुत ही अच्छा काम करती है ये टेबलेट। और जिन व्यक्ति को किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो या ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो अपने डॉक्टर को पहले ही आप बता दें कि सर हमें ये दिक्कत है, तो आपको उस प्रकार इसका डोज बताएंगे और इस प्रकार आपको सावधानी बताएंगे। यदि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।